आप सभी को नमस्ते, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं खांसी की बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो आज का पूरा टॉपिक हमारा खांसी यानी कॉफ से रिलेटेड है और आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खांसी का होना नॉर्मल है और कितना ज्यादा खांसी का होना नॉर्मल है और कब ये एक कॉम्प्लिकेटेड यानी कब इमरजेंसी हो जाता है कि आप डॉक्टर विजिट करें, आप मेडिसिन लें। बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करेंगे, बचाव की हम बात करेंगे, होम रेमेडी नुस्खों की भी हम बात करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खांसी व्हाट इज कॉफ, खांसी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये कोई खांसी जो है एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि अगर मान लो कोई हम धूल मिट्टी वाली जगह पे जाते हैं या धुएं वाली जगह पे जाते हैं तो एक नेचुरल सी बात है, हमें खांसी होती है। तो खांसना एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसका मतलब ये है कि अगर मान लो खांसी की वजह से हमारा गला साफ होता है, अगर गले में कोई धूल मिट्टी चली जाए, सांस अगर हम लेते हैं, तो ये एक गले को साफ करने का यानी थ्रॉट को क्लियर करने का एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर कब प्रॉब्लम हो जाती है, कब हमें दिक्कत होती है, ओके। एक और यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे कि बहुत सारे से पेशेंट व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो खांसी जो कॉफ है, वो जो वर्ड है जो खांसी के लिए यूज होता है उसको म्यूकस समझ लेते हैं। कॉफ का मतलब यहाँ पे सिर्फ खांसने से है और म्यूकस यानी जो आपका बलगम होता है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कितने तरीके का होता है। एक अक्यूट होता है, एक सब अक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। अक्यूट का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपको खांसी, नॉर्मली आपने देखा भी होगा, अगर आपको खांसी जुखाम फ्लू अगर हो जाता है, बुखार, तो आप हफ्ते दो हफ्ते में रिकवर कर लेते हैं, बिना किसी मेडिसिन दवाई के भी आप रिकवर कर लेते हैं अगर आपकी अच्छी इम्यूनिटी है तो हफ्ते में, किसी किसी में तीन हफ्ते भी लग सकते हैं। तो तीन हफ्ते तक अगर ये रहता है तो हम इसको एक्यूट कहते हैं और तीन हफ्ते से आठ हफ्ते तक अगर ये रहता है तो हम इसको सब एक्यूट कहते हैं और आठ हफ्ते से अगर किसी को ज्यादा खांसी रह जाती है तो हम उसको क्रॉनिक कॉफ कहते हैं, जिसमें कुछ जांचें भी आपकी जरूरी हो जाते हैं कि इतना क्यों आपको खांसी, इतने टाइम तक आपको क्यों है। और हम इमरजेंसी की भी बात करेंगे कि खांसी में कब आपको इमीडिएट हेल्प रिक्वायर्ड हो जाती है, ऑफ कॉफ की खांसी के पीछे क्या वजह है, क्या कारण हो सकते हैं कि आपको खांसी बार बार हो रही है, रिपीटेटिव हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है और आपको जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कॉजेज की हम बात करें, सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था, नंबर वन क्लियरिंग थ्रॉट वे। सबसे पहला आता है कि खांसी आपको होती है आपका जो गला होता है उसको क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए। जैसे मान लो धूल मिट्टी चली जाए या फिर कोई इन्फेक्शन भी होता है, म्यूकस भी होता है, तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है कि उसको गले को साफ करे, पहला। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जो इन्फ्लुएंजा जिसमें आपको खांसी जुखाम हो जाता है, तो यानी ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन भी खांसी के लिए ब्लेम करें। स्मोकिंग, देखिए धूम्रपान भी आपने देखा होगा, जिसको कि हम स्मोकर्स कॉफ भी कहते हैं, जैसे जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, जैसे मान लो किसी भी तरीके से स्मोकिंग का अगर उनका हिस्ट्री रहता है तो उसमें भी जो है आपको खांसी, एक अलग ही तरीके की खांसी उसमें देखी जाती है। अस्थमा की हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, अस्थमा दमा जिसको हम कहते हैं, देखिए बच्चों में ज्यादातर ये देखा जाता है और उम्र के साथ साथ थोड़ा ठीक भी हो जाता है, तो चिल्ड्रंस अस्थमा की जो हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे उसमें खांसी एक प्रोमिनेंट सिम्टम। मेडिकेशंस होती हैं, मेडिसिन होती हैं जिसमें भी जो है आपको खांसी देखा जाता है, बहुत रेयर है बट हाँ कुछ मेडिसिन की वजह से देखा जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यानी ऐसी दवाइयां जो बीपी, हाई बीपी में यूज होती हैं और कुछ हार्ट की जो मेडिसिन होती हैं उनमें भी खांसी देखी जाती है और जैसे ही वो दवाइयां आप कम करते हैं, बंद करते हैं, तो आपकी खांसी नॉर्मल हो जाती है, यानी कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट भी। नेजल ड्रिप की बहुत सारे पेशेंट बताते भी हैं कि हमें गले में कुछ पीछे गिरता हुआ सा महसूस होता है, यानी कि पोस्ट नेजल ड्रिप, तो ऐसे केसेस में भी कफ खांसी सिम्टम एक निकल जाता है। निमोनिया की हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, कुछ सीरियस हेल्थ कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर हम बात करें हार्ट फेलियर की या फिर हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करें, यानी इन कंडीशन में भी आपको खांसी होती है। इमरजेंसी, कब ऐसा होता है कि आपको खांसी, अगर मान लो सिर्फ खांसी ही नहीं उसके साथ साथ आपको कुछ और भी सिम्टम्स हैं, तो फिर जरूरी हो जाता है आप थोड़ा ध्यान दें और जो है इमीडिएट आपको हेल्प रिक्वायर हो जाता है। अगर आपको खांसी के साथ छाती में दर्द है, चेस्ट पेन है, अगर आपको बुखार बना हुआ है, सर में दर्द अगर आपको रहता है और कंफ्यूजन अगर हो जाता है, डलनेस, चक्कर जैसा भी अगर आपको महसूस हो जाता है कि आप डॉक्टर विजिट करें, अपनी टेस्टिंग कराएं और मेडिकेट करें। होम रेमेडीज की हम बात करना चाहेंगे, घरेलू नुस्खे, तो खांसी जुखाम बुखार में घरेलू नुस्खे सभी करते हैं और यूजुअली इसमें जरूरी भी नहीं होता अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे लिस्ट आउट करा। सबसे पहले आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी लेना ताकि जो है गले में सूदिंग रहे, हल्का
गुनगुना पानी लेना, लुकवम वाटर लेना, प्लेंटी ऑफ लुकवम वाटर आप ले सकते हैं। गार्गल्स की गरारे आप कर सकते हैं जिससे कि जो है आपके बैक्टीरिया वायरस का लोड थोड़ा कम हो, गले को राहत मिले, तो गार्गल्स आप कर सकते हैं। हॉट टी आप ले सकते हैं जो कि आप ग्रीन टी भी हो सकती है, लेमन टी भी हो सकती है, जिंजर टी हम कह सकते हैं यहाँ पे, हनी टी भी हम कह सकते हैं, इनमें से कोई भी टी आप ले सकते हैं। ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो, धुआं हो, ऐसी जगह से आप बचें, ऐसी जगह को आप अवॉइड करें, जहां पे स्मॉग डस्टी जो ऐसा एक एरिया होता है वहां को आप अवॉइड करें। कंजेस्टेंट भी आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कंजेशन का प्रॉब्लम है, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ जांचों की हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि अगर आपको खांसी जो है बनी हुई है तो कौन से टेस्ट आप करा सकते हैं, जरूरी हो जाते हैं। देखिए, एक तो आपका अगर आप डॉक्टर विजिट करते हैं तो गले का एग्जामिन करना, थ्रोट एग्जामिन आपका किया जाता है, ब्लड टेस्ट आपके कर सकते हैं, बेसिक ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, छाती का एक्सरे कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे हो गया, छाती का सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, चेस्ट सीटी स्कैन, ईसीजी बहुत रेयर करा जाता है बट ईसीजी भी कर सकते हैं कई बार, क्योंकि हार्ट के साथ भी ये जुड़े हुए होते हैं। प्रिवेंशन की हम बात करना चाहेंगे कि आप कैसे बच सकते हैं कि आपको खांसी ज्यादा दिनों तक ना रहे, या आप खांसी से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम कारणों पे ही जाएंगे कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से है। स्मोकिंग की वजह से है तो आप स्मोकिंग को कम करें, धूम्रपान को कम करें, ऐसी जगह से बचें जहां पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी धुआं, अगर ऐसा ज्यादा एक्सपोजर होता है, डस्ट है, धूल मिट्टी, ऐसी जगह को आप अवॉइड करें। डाइटरी चेंजेस आप कर सकते हैं, फ्रूट्स और फाइबर रिच आप डाइट ले सकते हैं, फ्लेवोनॉइड्स रिच होते हैं तो उनकी वजह से जो है आपको खांसी जो है जल्दी रिकवर। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन जो खांसी में यूज होती हैं। वैसे तो होम्योपैथी में आपके लक्षण सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको खांसी कितनी पुरानी है, कब से है और खांसी के साथ आपको क्या दिक्कतें हैं। चलिए फोलियम की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इन सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि ये होम्योपैथी मेडिसिन है, ये आपको जनरल फार्मेसी जनरल स्टोर पे नहीं मिल पाएंगी, सिर्फ होम्योपैथी फार्मेसी और होम्योपैथी स्टोर पे ही मिल पाती है। मेलिफोलियम की, मेलिफोलियम आपको तब दी जाती है जब आपको खांसी के साथ साथ म्यूकस के साथ साथ जो है आपको ब्लड आता है, यानी खांसी में अगर आपको ब्लड आता है तो वैसे केसेस में आप मेलिफोलियम देख सकते हैं। ये ड्रॉपर फॉर्म में है, कम क्वांटिटी में भी आती हैं ये दवाइयां, कम पावर में भी आती हैं, ड्रॉपर इन पे लगे हुए होते हैं। खांसे आप बिलोंग करते हैं, हो सकता है कलर अलग हो तो आप दवा के नाम पे जाइएगा। मेलिफोलियम अगर खांसी के साथ ब्लड आता है, दवा की एक एक दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले दिन में दो तीन बार आप ले सकते हैं। देखिए, ब्रायोना एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो न्यूमोनिया में, चेस्ट पेन यानी खांसी के साथ साथ अगर आपको न्यूमोनिया है, बच्चों में भी दी जाती है, और चेस्ट पेन है, छाती में दर्द है, तो आप ब्रायोनिया देख सकते हैं, बहुत अच्छा मेडिसिन रहता है। और जिस साइड आपको दर्द होता है उस साइड आप लेटते हैं तो आपको राहत मिलती है, तो वैसे केस में आप ब्रायोनिया देख सकते हैं। ब्रायोनिया एक एक दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम आप खाएं। एंटम टाट, देखिए एंटम टाट एक ऐसी दवा है जो कंजेशन में, आपने देखा होगा बच्चों में छाती में घड़घड़ की आवाज आना, रैटलिंग साउंड जिसको हम कहते हैं, चेस्ट कंजेशन यानी छाती पूरी म्यूकस से बलगम से भरी हुई होना, तो ऐसे केस में एंटीमोनियम टार्टरिकम बहुत अच्छा मेडिसिन निकलता है। बच्चों में थोड़ा कम दे सकते हैं, एक एक बूंदे दे सकते हैं, बड़े जो है दो तीन बूंदे ले सकते हैं दिन में दो तीन बार खाने से पहले, लगातार जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं। ड्रोसेरा ड्राई कफ में दी जाती है, यानी सूखी खांसी में दी जाती है, और ड्रोसेरा में जब भी आप बोलते हैं, जब भी आप हंसते हैं, तब भी आपकी खांसी जो है बढ़ जाती है, तो वैसे केस में जो है आप ड्रोसेरा देख सकते हैं। देखिए, इसका कलर अलग हो गया कंपनी के हिसाब से। नक्स वोमिका आपने गैस्ट्रिक ट्रबल में सुना होगा, लेकिन नक्स वोमिका अगर आपको जीईआरडी यानी गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज की वजह से अगर आपको खांसी होती है तो वैसे केस में आप नक्स वोमिका देख सकते हैं। देखिए, पल्स जिला होम्योपैथी मेडिसिन ग्रीनिश कफ में, जब हरा हरा म्यूकस अगर आपको लगता है तो वैसे केस में आप पल्स। स्पॉन्जा टोस्टा भी खांसी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पॉन्जा में ये रहता है कि स्पॉन्जा टोस्टा आपको बार्किंग कफ यानी बहुत तेज तेज खांसी आना में स्पॉन्जा दिया जाता है। आर्सेनिकम एल्बम आपने सुना होगा, अस्थमैटिक कफ यानी अगर दमा हो जाए, अस्थमैटिक कफ हो जाए, रात में दिक्कत बढ़े तो ऐसे केस में हम आर्सेनिकम एल्बम। एपिकॉक आपको खांसी के साथ साथ उल्टी अगर देखा जाए तो एपिकॉक आप। बोरेलियम रूब्रम हमने पीएनडी की बात करी थी, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज यानी आपको पीछे की तरफ कुछ गिरता हुआ महसूस होता है तो आप कोरेलियम रूब्रम देख सकते हैं। ये दूसरी कंपनी का, देखिए बॉयरॉन डायल्यूशन, ये होम्योपैथिक है, सिर्फ होम्योपैथिक फार्मेसी होम्योपैथिक स्टोर पे मिलेंगे, और इनको जो है आप एक चम्मच दवा का, सिरप का, एक चम्मच पानी का स्टार्टिंग में इस तरीके से लें, रेगुलरली यूज करें आप। अल्फा कॉफ सिरप है, काफी अच्छा माना जाता है, तो आप जो है स्टोबल कॉफ सिरप के ऊपर हमने अलग से वीडियो भी डाला हुआ है तो आप स्टोबल देख। R9 ड्रॉप्स है, खांसी में बहुत अच्छा माना जाता है, ये ड्रॉप फॉर्म में है, पीने का दवा है, तो 5-10 बूंदे थोड़े से पानी में मिक्स करके दिन में 2-4 बार लगातार आप देख यूज कर सकते हैं। इनके अलावा भी मेडिसिन हो सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो से आपकी मदद हो रही है, आप वीडियोस को लाइक करें,
नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए. थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.